यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला थमा भी नहीं था कि प्रदेश में पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। दोनों ही पार्टियां इस मामले में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सरकार और प्रदेश की जनता को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर काफी अधिक भरोसा और आयोग से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी गंदगी करने वाले और युवाओं का भविष्य खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में होने वाले उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने के लिए बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योति रवाना हो गई है। लखनऊ के पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में 14 जनवरी को मेला शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागनाथ से ले जाई गई ज्योति से दीप जलाकर मेले का शुभारंभ करेंगे। अलूम में प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी की निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से हुई मुलाकात का यदि नरसिंहानंद गिरी ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल पंच दशनाम जुना अखाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी यदि नरसिंहानंद गिरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अब हरिद्वार में हिंदू बचाओ मोर्चा का कार्यालय बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने दो दिवसीय मौके पर अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा के विधायक सांसदों और पदाधिकारियों ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए मंडलों के निर्माण कार्य के लिए कार्यकर्ताओं से लगातार वार्ता की जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पुलिस को नशा कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 74.67 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 7,46,000 रुपए है। इसमें पहला स्मैक तस्कर राजेश कश्यप बेस तिराहे पर पकड़ा गया और 40 साल का राजेश कश्यप पुत्र श्यामलाल कश्यप निवासी सिंह कॉलोनी जिला रामपुर के कब्जे से 54.35 ग्राम स्मैक पकड़ी गई। पिथौरागढ़ पुलिस ने 55 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पिथौरागढ़ पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी पिथौरागढ़ लोकेश सिंह ने मामले का खुलासा किया। आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ऋषिकेश पहुंचे। उनका दावा है कि उनकी जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई। कहा कि कुछ सुझाव उन्होंने मुख्यमंत्री को दिए, यदि मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों पर अमल किया तो जोशीमठ ही नहीं किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आपदा को सरकार आसानी से निपट सकती है। उत्तरकाशी की पुरोला तहसील क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ पहुंचकर एक बार फिर से आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी तकलीफें सुनी। प्रभारी मंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने 61 प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत 1.5 लाख की अंतरिम राहत धनराशि चेक वितरित किए।